दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन के बारे में जो कि 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो, स्पेक्स कंपेरिजन वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टॉप 5 बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन में पहले नंबर पे है इनफोकस का इनफोकस टर्बो 5। दोस्तों इनफोकस टर्बो 5 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और ये 7,000 से 8,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है Xiaomi का Redmi 4। दोस्तों Xiaomi Redmi 4 4100 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और ये 7,000 से 9,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है Lenovo का Lenovo K6 पावर। दोस्तों Lenovo K6 पावर 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और ये 9,999 रुपए में अवेलेबल है। दोस्तों चौथे नंबर पे है मोटोला का मोटो सी प्लस। दोस्तों मोटो सी प्लस 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है जो कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये 7000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है। दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है Xiaomi Redmi Note 4 2GB रैम वाला वेरियंट। दोस्तों Xiaomi Redmi Note 4 4100 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और इसका 2GB रैम वाला वेरियंट को आप 9,999 रुपए में ले सकते हैं। तो दोस्तों यही है टॉप 5 बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में तय हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है पहले इस वीडियो को हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।